अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम राग मैथ के जरिए कर रहे हैं, आज एक और राग करते हैं। ये ठाट भैरव का राग भैरव है। इसका वादी सुर धेवत है जिसको धा कहते हैं, संवादी सुर इसका रखव है जिसको रे कहते हैं। आए इसकी आरोह अमरोही करते हैं, पहले मैथ के जरिए, बाद में आपको इसकी सरगम बताऊंगा। आरोही पहले मैथ के जरिए, एक दो पांच छ आठ नौ बारह तेरह, ये हो गई जिसकी आरोही। अब इसकी अमरोही करते हैं, तेरह बारह नौ आठ छ पांच दो एक, ये हो गई जिसकी आरोही। अब इसको आपको वक्फे के साथ समझा देता हूँ। एक, एक के बाद दो, दो के साथ दो, दो के बाद है पांच, तो तीन का वक्फा, चार का वक्फा, ये पांच, पांच के बाद है छह, ये छह आ गए, छह के बाद है आठ, तो सात का वक्फा आठ आ गया, तो आठ के बाद है नौ, तो नौ इसके साथ है, नौ के बाद है बारह, तो दस का वक्फा, ग्यारह का वक्फा, ये बारह आ गया है, बारह के बाद ये तेरह, ये हो गई है जिसकी आरोह। अब इसकी अमरोही सेन, तेरह बारह नौ आठ छ पाँच दो एक, जी अब इसकी सरगम करते हैं। सबसे पहले आरोह, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गए जी आरोह। अब अमरोही, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया जिसकी आरोह अमरोही की सरगम। फिर कंटिन्यू करके बता देता हूँ आपको, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया जिसकी आरोह अमरोही। अब दूसरे काले से, जैसे आपको पहले मिसाल दिया करता हूँ, आप उसको हर सुर से इजीली बजा सकते हैं। मैं दूसरे काले से आपको अब इसको बजा कर दिखाता हूँ मैथ के जरिए। एक दो पाँच छ आठ नौ बारह तेरह, ये हो गई जी इसकी आरोही। अब अमरोही, तेरह बारह नौ आठ छ पाँच दो एक, ये हो गया जिसकी आरोह अमरोही। मैथ के जरिए आप सरगम भी बता देता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, आरोही। अब इसके अमरोही, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया जी इसकी अमरोही। अब इसको आप हर सुर से इजीली बजा सकते हैं, शर्त वही है, इसका वादी संवादी आपको याद होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा पेश करता हूँ। Thank you.
ये था राग भैरव, इसका ठाट भी बता दिया है आपको, वाली संवादी भी बताया है। अब जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।